बच्चों की तालीम व तरबियत को लेकर अभिभावकों के साथ शिक्षकों की हुई बैठक। सुलेमान कॉलोनी अवस्थित झारखंड पब्लिक हाई स्कूल के प्रांगण में बच्चों में तालीम व तरबियत को बढ़ावा देने को लेकर अभिभावकों के साथ शिक्षकों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सिंचाई विभाग से रिटायर्ड SDO मुख्तार आलम खान व संचालन शिक्षिका काजल किरण ने किया। बैठक की शुरुआत छात्रा अदिवा तमन्ना व आफरीन तमन्ना के द्वारा कुरान के पाठ के साथ किया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा नज्म का गान किया गया। बैठक में प्राचार्य शाहिद जमाल ने कहा कि जिस तरह मानव शरीर में लेफ्ट राइट दो पैर हैं, ठीक उसी तरह शिक्षण क्षेत्र में अभिभावक राइट व शिक्षक लेफ्ट पैर हैं। अगर दोनों पांव दुरुस्त है तो बच्चे का पठन पाठन दुरुस्त होगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय में दाखिला के लिए अभिभावकों से महज 100 रुपए के फॉर्म की कीमत देकर बच्चों को नामांकन करा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सत्र 2022-23 में विद्यालय की ओर से बेहद गरीब 3 बच्चों को निःशुल्क पुस्तक देकर शिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। बैठक के समापन पर उप प्राचार्य शाहीन निशान ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर अध्यक्ष शाहनवाज खान, वाइस प्रिंसिपल शाहीन निशान, अलका परवीन, सिमरन परवीन, नाजिया परवीन, साइस्ता परवीन, शबा परवीन, रूबी परवीन आदि शिक्षिका सहित दर्जनों अभिभावक गण मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से वसीम के साथ आरिफ खान की रिपोर्ट। शाहिद जमाल और मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आज मैंने इस स्कूल का नाम झारखंड पब्लिक हाई स्कूल है। ये नर्सरी से 10th तक है, यहाँ तक के प्लस टू को भी मैंने इस साल शुरू कर दिया है। इसमें 3 स्टूडेंट्स प्लस टू में जा चुके हैं और इस स्कूल का उद्देश्य है कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों की सही ट्रेनिंग हो, सही तरबियत हो और सही ढंग से उनके जो माँ बाप के जो दौलत हैं उस वेल्थ का, उस दौलत का सही प्रयोग हो, इस उद्देश्य से ये स्कूल चलाया जाता है। ये स्कूल का धन कमाने का उद्देश्य नहीं है बल्कि बच्चों के अंदर शिक्षा दीक्षा को आदान प्रदान करने का हमारा उद्देश्य है। तो आज जो आपने मीटिंग किया वो किस उद्देश्य से किया है, क्या इसमें बात रखी गई? जी, आज की हमारी मीटिंग का उद्देश्य ये रहा कि हम गार्जियन के अंदर एक जागरूकता पैदा करें कि उनको जो कोरोना काल में इतनी पढ़ाई सबकी ख़राब हुई है, तो कोरोना काल में जो पढ़ाई ख़राब होने के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मोबिलाइज करने के लिए गार्जियंस को बच्चों की तालीम अच्छे ढंग से हो और भेजिए स्कूल बच्चों को, डरे नहीं, बच्चों को पढ़ाएं। इसी उद्देश्य से मैंने आज गार्जियंस को बुला करके अपने बात को रखा ताकि वो बच्चों को पढ़ाने में अपना सहयोग दें, स्कूल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। इसी उद्देश्य से आज मैंने इस मीटिंग को कॉल किया था। तो क्या गार्जियन इससे सहमत हुए? गार्जियन का कहना क्या हुआ, वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं? जी, सारे गार्जियंस तैयार हैं। सभी भी गार्जियन ने कहा कि जी सर, कोरोना काल में हम लोग की बहुत तबाही मची, बच्चे की पढ़ाई बहुत बर्बाद हुई, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई बर्बाद ना हो और इनकी पढ़ाई होता रहे और हम आपके शिक्षा दीक्षा के साथ हैं, आप जैसे शिक्षा दीक्षा का को आदान प्रदान करने में आपको सहायता दे रहे हैं वैसे हम लोग भी आपके साथ हैं। सभी गार्जियन से एक स्वर में यही जवाब दिया। स्वर्ण श्री ज्वेलर्स दीपावली धनतेरस बम्पर ऑफर, गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम पर 3600 रुपए की छूट, सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% की छूट, डायमंड के मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। तो आज ही आए, शॉप नंबर 1 शांति भवन बैंक मोड़ धनबाद, हमारा नंबर है 7070643884 और दूसरा नंबर 8210822620। स्वर्ण श्री ज्वेलर्स।